जी हाँ नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए आज दोस्तों 30 इंची कांटा चक्की का ये वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों ये वीडियो झारखंड के चतरा जिले का है। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे मैं झारखंड में रहता हूँ दोस्तों, तो मेरा प्रयास रहता है कि झारखंड के सभी जिलों का जितना भी तेल मिल है, जितना भी आटा चक्की है, सभी का मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, आपको बताऊँ कि सभी लोग बिजनेस किस तरह करते हैं दोस्तों, कौन सा चक्की बिठाते हैं, कौन सा मोटर लेते हैं, कौन सा इंजन लेते हैं, ताकि आपको आगे बिजनेस करने में आपको आसानी हो, आपको अभी से ही पता चल जाए कि कौन सा चक्की के लिए कौन सा मोटर या कौन सा इंजन लेना चाहिए। तो ये दोस्तों जो आपके समक्ष चल रही है दोस्तों, ये 30 इंची कांटा चक्की है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं कि 30 इंची आटा चक्की के लिए कौन सा मोटर, कौन सा इंजन, घंटे में 30 इंची कांटा चक्की कितना आटा पीसेगी, पूरा जानकारी दूंगा दोस्तों। सबसे पहले आप इनका सेटअप देख लीजिए, ये झारखंड के चतरे जिला का आटा चक्की का मिल है दोस्तों, ये लोकल काम करके ही खुश हैं दोस्तों। मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं लोकल आटा दर्रा गेहूं ही पिसाई करता हूं और महीने में 40 से 50,000 रुपया ये महीने में कमाते हैं दोस्तों, सिर्फ लोकल काम करके ही। तो आप एक छोटे लेवल पर भी दोस्तों बिजनेस को शुरू कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आटा चक्की है जो 30 इंची का है। यहाँ पे दोस्तों इसका जैसा कि आप देख पा रहे हो सेटअप, बगल में दोस्तों 16 इंची का एक और चक्की ये बैठाए हैं डायमंड कंपनी का, जिसमें सिर्फ हल्दी का पिसाई करते हैं। आप दोस्तों अगर हल्दी और गेहूं दोनों का पिसाई करने चाहते हो तो आप दोस्तों जब भी लो तो दो चक्की ले लो, एक मसाला चक्की, एक आटा चक्की। यहाँ दोस्तों एक हॉलर मशीन भी ये बिठाए है। अब दोस्तों आपको दिखाने वाली बात ये है कि कौन सा इंजन से ये 30 इंची का आटा चक्की चलाते हैं दोस्तों। तो ये इंजन पहले के जमाने में आता था दोस्तों, अभी आना बंद हो गया। ये 15 HP का डीजल इंजन है दोस्तों, इसी से 30 इंची का आटा चक्की चलाते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो पानी वाला सिस्टम है, ये पहले के जमाना में हुआ करता था दोस्तों। ये सिस्टम आपको जरूर याद आ रहा होगा, पहले वाला सिस्टम, अगर आप पहले के होंगे तो। अभी तो दोस्तों नया इंजन आ गया है सर का, एयर कूल्ड इंजन आ गया है, कहीं से भी ये सब करने का जरूरत नहीं होता है। वीडियो आपको अगर पसंद रहा तो वीडियो को आप दबा के लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते रहता हूं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं फाइनली कि आप अगर 30 इंची का आटा चक्की लेते तो आपको कौन सा मोटर लेना पड़ेगा। 20 HP का मोटर से आराम से ये मशीन आपका चलेगी, कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। आप अगर इंजन से चलाना चाहते हैं तो एक सिलेंडर का 22 HP इंजन से सिंगल दोस्तों एक चक्की ही चलेगी, एक साथ एक चक्की और एक एक्सपेलर नहीं चलेगी। मगर दोस्तों आप अगर इसे सिंगल चलाना चाहते हो तो एक 22 HP का इंजन ले लो जो 1 सिलेंडर का आता है, उससे आराम से चलेगी, कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी से चलाओगे तो 20 HP का मोटर से मशीन आराम से चलेगी, कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि घंटे में ये चक्की माल कितना निकालेगी। तो जैसा कि दोस्तों मेरा 20 इंची का आटा चक्की है तो मैं उसमें 1.5 क्विंटल घंटे में आटा पीसता हूं, तो इसमें दोस्तों घंटा में कम से कम 2 से 2.5 क्विंटल आटा पीसेगी। कब? जब आपका इंजन या मोटर हैवी होगा तब। ये दोस्तों उतना माल घंटे में नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि इनका छोटा इंजन है 15 HP का। आप जब भी लें तो 22 HP का ले, तब आपका 2.5 से 3 क्विंटल माल निकालेगी ये चक्की।